संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे दुर्योगों के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत से ऐसे योग बनते हैं जिनकी वजह से जहां पर भी उन ग्रहों की युति बनती है तो उस भाव को खराब करते ही हैं, परंतु उसके साथ जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी खराब करते हैं। कई आपने सुना होगा मंगल राहु अंगारक योग, गुरु राहु चांडाल योग। उसी प्रकार दर्शकों, बुध और राहु की युति होने से जड़त्व योग बनता है। दर्शकों, आप अपनी कुंडली खोलकर देखें, कहीं आपकी कुंडली के अंदर ये योग तो नहीं बन रहा, और बन रहा है तो आप ये चेक करें कि कौन से भाव में ये योग बन रहा है और किस किस बात की आपको परेशानी दे सकता है। यह योग अगर व्यक्ति के चौथे भाव में बन जाए तो कहीं ना कहीं माता को कष्ट देता है, माता से अच्छे संबंध नहीं रहने देता, हृदय कमजोर कर देता है, ऐश्वर्य में कमी, और व्यक्ति को घर का सुख नहीं मिल पाता क्योंकि यह सुख का घर है और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता। बड़े वाहन और बड़े मकान का सुख भी प्राप्त नहीं हो पाता, घर के अंदर कलह का वातावरण भी बना देता है। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़े कलेश हो जाते हैं, व्यक्ति का घर भी टूट जाता है। अगर ये पंचम भाव में योग बनता है तो व्यक्ति की पढ़ाई को पूरी नहीं होने देता। आपने देखा होगा कई बार माता पिता आते हैं कि हमारा बच्चा दसवीं क्लास तक बहुत अच्छा रिजल्ट आता था इसका और स्कूल में ये टॉपर था, परंतु आगे चलकर कहीं ना कहीं इस योग की वजह से बाधाएं आ जाती हैं, संतान की हानि करता है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत सी समस्याएं पैदा करता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में बहुत देर से संतान की प्राप्ति होती है। यहां पर राहु बैठकर बुद्धि को खराब करता है, यहां का बुध बैठकर मित्रों से व्यक्ति को धोखा मिलता है, प्यार में भी अपने ही प्यार में व्यक्ति को धोखा प्राप्त होता है। कुंडली के छठे भाव में यह योग लाइलाज बीमारी देता है, चोरी और मामा पक्ष से कष्ट देता है, परंतु दर्शकों, यहां का बुध रोग कर्जा शत्रु भी पैदा करता है। कई बार व्यक्ति के अपने ही भाई के समान शत्रु बन जाते हैं। यहां पर अगर बुध बलवान हो तो शत्रु हंता योग भी बनाता है, अगर यहां पर राहु प्रबल हो तो शत्रु हंता योग भी बनाता है। अगर यहां पर व्यक्ति के छठे भाव के अंदर बुध और राहु पावरफुल हों, मित्र राशि के हों, अपनी राशि के हों, तो कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उन व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनके लक्ष्य तक लेके जाता है। सातवें भाव में बुध और राहु की युति जीवन साथी के साथ मतभेद कराती है, काम कला में हानि होती है, साथ ही जातक गुप्त रोग का शिकार हो जाता है। दर्शकों, कई बार यहां का बुध और राहु जीवन के अंदर यह भाव जैसे पत्नी से संबंध है,
तो ऐसे व्यक्ति के कई बार गलत जगह पर भी संबंध हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति रोमांटिक स्वभाव का होता है और अगर यहां पर राहु थोड़ा सा प्रखर हो जाए तो व्यक्ति कई जगह पर अपने संबंध बना लेता है और अपयश का पात्र भी बन जाता है। अगर व्यक्ति की मिथुन राशि है और वो किसी से प्रेम करता है और बुध और राहु उसके सप्तम भाव में विराजमान है, प्रेम उसका अधूरा किसी कारण बस रह जाता है और उसकी शादी किसी अन्य जगह पर हो जाती है। लड़की हो या लड़का, और समय रहते हुए 10 साल 5 साल दर्शकों बीत हो जाते हैं, उसके बाद में उस पुराने प्रेमी से अगर उसका संबंध या पुरानी प्रेमिका से उसका संबंध हो जाता है तो वह व्यक्ति फिर से दो नावों की सवारी करने लगता है और वह यहां पर अपयश का पात्र बन जाता है और उसके जीवन को कहीं ना कहीं कठिनाइयों से भर देता है। यहां का बुध और राहु व्यक्ति के जीवन में किसी के साथ अगर वो पार्टनरशिप कर लेता है, व्यापार कर लेता है, तब भी वो सफल नहीं हो पाता। उसी प्रकार उसके संबंध अपनी पत्नी के साथ कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ आपसे। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद करें।